हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिराज डोबरियाल। आप फ्लाईओवर तो देख ही रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से जो बना है। दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस हाईवे और ये डाटकाली मंदिर की टनल है जिसके अंदर जाके बहुत ही सुकून मिलता है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। एंड तो चलिए पहुंच गए हम क्लॉक टावर ऑफ देहरादून। आप देख सकते हैं काफी अच्छा मौसम था आज और हम सुबह निकल गए दिल्ली टू देहरादून एक्सप्रेस हाईवे को रिवील करने के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं आज कि किस तरीके से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। और ये देहरादून का मेन मार्केट है, पल्टन मार्केट। और इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचें तो आपको पता ही होगा कि देहरादून से अराउंड ऑफ 40 किलोमीटर तक फेज 4 है। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमको पहले ऑयल फिल करवाना होगा। तो अभी आगे 299.99 और कुछ इस तरीके से आप पेट्रोल फिल करवाएं। अगर आपको 1000 का डालना है तो 999.99 आप डाल सकते हैं। इससे क्या है कि आपको भी संतुष्टि रहेगी और मशीन में भी कोई सेट इसमें नहीं कर सकते हैं नंबर, तो अपने मन की तसल्ली के लिए। तो अभी हम यहाँ पर जो है पूरा ऑयल फिल करवाने के बाद यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ आज के किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो आशा रोड़ी वाली रोड है, ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ फॉरेस्ट व्यू होगा और साथ में आपको मिलने वाला है 6 लेन हाईवे। अभी आप देख सकते हैं एक हाईवे पे काम चल रहा है वन साइडेड और वन साइडेड इन्होंने खोल रखा है, तो दोनों साइड के व्हीकल एक ही साइड चल रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो आपका बॉर्डर पड़ेगा उत्तराखंड का, ये है आशा रोड़ी नाम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बैरियर हैं इनके ऊपर लिखा भी है कि चेक पोस्ट आशा रोड़ी उत्तराखंड, और ये इमरजेंसी के लिए यहाँ पर चेक पोस्ट लगाया गया है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ से जो नेशनल हाईवे है ये डाटकाली मंदिर का है। जो डाटकाली मंदिर के लिए पुराना रोड था उसी को इन्होंने लेवल अप करने के बाद यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी पहाड़ यहाँ पर काटे गए हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 किलोमीटर ये पहाड़ी काटी गई है। और सबसे मेन जो फ़ायदेमंद हम कहेंगे, अगर ये एशिया का मात्र एक ऐसा फ्लाईओवर है जो कि 12 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर है और ये नदी के ऊपर बनाया गया है। इसमें बिल्कुल भी पहाड़ों को नहीं काटा गया है, 1 से 2 किलोमीटर में कहीं ना कहीं इसको सेट करने के लिए बनाया गया है। बाकी ये जो टनल आप देख सकते हैं 70 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, दोनों साइड इसमें टनल बनाई गई है और काफ़ी अच्छा काम किया गया है यहाँ से। बाकी टनल को बाईपास बनाया गया है डाटकाली मंदिर के थ्रू, और जो ये आप देख सकते हैं टनल के दूसरे साइड से जो राइट को ये ऊपर के लिए रोड जा रही है, ये डाटकाली मंदिर के लिए जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग इसके इंतजार में हैं, तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि इस एक्सप्रेस हाईवे पर अक्षरधाम से लोनी बॉर्डर तक कोई टोल टैक्स नहीं चुकाना होगा। शुरुआत के करीब 18 किलोमीटर के हिस्से में टोल वसूली नहीं होगी, लेकिन उसके आगे सफ़र की दूरी के हिसाब से टोल चुकाना होगा। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सीधा फायदा पहुंचाएगा। इसके खुलने के बाद पूर्वी दिल्ली के कई हिस्सों में जाम से राहत मिल सकती है। और ये जो पुराना हाईवे था, आप इसमें देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते शायद पहाड़ी से बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, तो रोड में बहुत सारे मैं आपको बताऊं तो परेशानियां हैं इसमें, क्योंकि ये पुराना रूट है, जंगल से कनेक्ट है, कभी जंगली जानवर आ जाते हैं। लेकिन जो ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही जंगल से अलग है और नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। बाकी इसके बारे में और जानकारी आपको देना चाहूँ तो अधिकारियों से बातचीत करने पर पता लगा है कि जल्द ही टोल टैक्स की दरों को लेकर भी फैसला कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से बागपत खेकड़ा के बीच टोल की दरें औसत से ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेसवे का 90% हिस्सा एलिवेटेड है जिसमें लागत काफ़ी ज़्यादा आती है। सामान्य तौर पर NHAI 2.75 रुपीज़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जाएगा, लेकिन यहाँ पर उससे ज़्यादा टोल दरें रह सकती हैं। मोस्टली जो हैवी व्हीकल होंगे वो इसी रूट से आ सकती हैं जिस रूट से हम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फ्रंट व्यू है हमारी ड्राइविंग का और कैमरा काफ़ी अच्छा है, Insta360X3 से मैं इसको शूट को ले रहा हूँ। आपको कैमरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और चलिए और जानकारी आपको देते हैं, ये पुराना नेशनल हाईवे है, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है और इससे हैवी व्हीकल बाद में आएंगे। तो चलिए और जानकारी देता हूँ मैं आपको इसके बारे में। अक्षरधाम से बागपत के खेकड़ा तक के बड़े हिस्से में लोड टेस्टिंग का काम शुरू किया गया है। टेस्टिंग के बाद मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही एक्सप्रेस का यह हिस्सा यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।
संभावना है कि 30 जुलाई से पहले यातायात शुरू कर दिया जाएगा और इस NHIC के अधिकारी बताते हैं कि 32 किलोमीटर लंबे पहले चरण को दो पैकेज के यातायात में खोला जाना है। ये फोर्थ फेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं स्टील ब्रिज के ऊपर से जो फ्लाईओवर निकल रहा है 6 लेन का, कितनी मजबूती से इसमें काम किया गया है आप देख सकते हैं। और इसके नीचे भी अभी काम चल ही रहा है, ऊपर लैंडर पड़ चुका है। नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये पुराने नेशनल हाईवे को लगभग 2 से 3 जगह ओवरलैप करता है, तो उन जगहों पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया गया है जैसा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो साइड है जहाँ पर कि हल्का सा पुराने नेशनल हाईवे को ये फ्लाईओवर टच कर रहा था, तो इसके ऊपर डबल ब्रिज बना के इसको जो है ओवरलैप किया गया है। इंजीनियरिंग का अच्छा नमूना यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं दो स्टील ब्रिज यहाँ पर जो है एक साथ कनेक्ट किए गए हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ तो इस ब्रिज के बाद अगला जो कॉरिडोर, जो ओवरलैपिंग साइड हमारे पास देखने को मिलेगी, आप उसमें देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उसमें काम किया गया है। चलिए वहीं पर लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट। तो ये रही वो पूरी साइड जो मैं आपको दिखाने ला रहा था। इसके बीच में भी एक छोटी सी पहाड़ी पड़ रही थी जिसको कि पूरी तरीके से काट दिया गया है। और ये भी 6 लेन हाईवे है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें काम किया गया है। ये 1-साइडेड है, इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा काम अभी बाकी रहा है, यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, पहाड़ी लगभग काट दी गई है। और दूसरा साइड मैं आपको इसका दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसने अच्छी तरीके से काम किया गया है, पूरा फ्लाईओवर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइडर्स के ऊपर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि लगभग 50 से 60 मीटर के दायरे पे ही हर एक फ्लाईओवर का पिलर बनाया गया है। और जितनी जानकारी मुझे इस फ्लाईओवर के बारे में वो तो आंखों देखा मैं आपको बता ही रहा हूँ। और फ्लाईओवर को लगभग 1 साल हो गया है मुझे देखते हुए और इसके ऊपर मैंने कम से कम 6 से 7 वीडियो ऑलरेडी बनाई हैं। अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी कि ये काम स्टार्ट कब हुआ था और कब तक इसका जो है एंडिंग होने वाला है। मोस्टली ये मैं आपको इसलिए बताने वाला था क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी कि 2 मुख्य टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं जिसमें दिल्ली की सीमा को पार करने के बाद गाजियाबाद के लोनी में 14 लेन का टोल प्लाजा बनाया जाएगा, जबकि दूसरा देहरादून से पहले बनाया जा रहा है। बागपत PIU के अधीन ही मास्टर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा जो पूरे एक्सप्रेसवे पर नज़र रखने का काम आएगा। ठीक है जी, आगे मैं आपको बताऊं तो ये पुराना राजा जी रिजर्व नेशनल पार्क की ये आप देख सकते हैं जंगलाती चौक यहाँ पर है, यहाँ से राजा जी नेशनल पार्क के लिए यहाँ पे सफारी भी की जाती है। और हम अब आपको लेके चलेंगे उस साइड पे जहाँ से कॉरिडोर शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे आते 4 किलोमीटर के बाद जो स्टार्टिंग यहाँ से पड़ता है सतपुरा गाँव से पहले बिहारीगढ़ से थोड़ा सा पीछे जहाँ से ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कि काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काम किया गया है। और ये जो 10 फुट की दीवार इस साइड से लगाई गई है ताकि इसको कोई आसानी से क्रॉस ना कर पाए। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ से आपका 12 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और इस फ्लाईओवर के ऊपर की फर्स्ट राइड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं कि गाड़ी हार मान जाएगी, आप कितना भी एक्सीलेटर दे दो लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, इतना सीधा है और बिल्कुल भी जंपिंग नहीं है कहीं पे भी। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और उतना ही अच्छा लेवलिंग इसमें की गई है, आप देख सकते हैं। और आप लोग तो उठाइए सफ़र का। एक छोटा सा अपडेट गाइस, जो कि बिहारीगढ़ से पहले यहाँ पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है,
ये एकमात्र फ्लाईओवर है जिसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। ये भी लेवलिंग होने में लगभग 1 से 1.5 महीना इसमें लग जाएगा और इसके बाद आई होप सो कि बहुत ही जल्द हम इस फ्लाईओवर का लुत्फ़ उठा पाएंगे और काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर गाड़ी दौड़ा पाएंगे। सो गाइज, आज के लिए ब्लॉग में इतना ही और अगला ब्लॉग बहुत जल्द आपके सामने आएगा नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।